नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भारतीय योग दर्शन के एक प्रमुख विषय चक्र के बारे में बताने जा रही हूँ। आप लोगों में से बहुतों के मन में ये ख्याल आता होगा कि ये चक्र क्या है, या एक इमेज उभरती होगी कि जैसे भगवान विष्णु की जो उंगली में चक्र चारों तरफ नाचता रहता है, जो कि एक शस्त्र के रूप में है, और वो उनकी उंगली में चारों तरफ नाचता है, घूमता रहता है और बड़े वेग से संबंधित कार्य को संपादित करता है। वस्तुतः वही चक्र है। चक्र एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है किसी आधार पर पहिए का घूमना। इसी प्रकार मानव के शारीरिक शरीर में ये चक्र सुषुम्ना नाड़ी पर स्थित ऊर्जा के केंद्र होते हैं। चक्र सुषुम्ना नाड़ी पर स्थित वह बिंदु या स्थान है जहाँ विभिन्न नाड़ियाँ आकर मिलती हैं। मानव शरीर में 88,000 चक्र माने गए हैं। इनमें से प्रमुख 7 चक्र हैं जो विभिन्न स्थानों पर स्थित हुआ करते हैं और अपने से संबंधित अंगों को ऊर्जा प्रदान करते हैं। अर्थात चक्र वह स्थान जो ऊर्जा का सघन बिंदु है, जहाँ आकर के ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में स्टोर होती है, उस स्थान को चक्र कहते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये चक्र ट्रांसमीटर या ट्रांसफार्मर की तरह होते हैं, जो ऊर्जा को एक जगह स्टोर इकट्ठा करते हैं, फिर तंत्रिका जाल के माध्यम से शरीर में ऊर्जा का वितरण करते हैं। शरीर के जिस जगह पर जो चक्र स्थित होता है, उसका संबंधित क्षेत्र से ऊर्जा का वैसे ही आदान प्रदान होता है। इस प्रकार चक्र ट्रांसफार्मर की तरह ऊर्जा इकट्ठा करते हैं, उससे जुड़े तारों की तरह, जो तंत्रिका तार होता है जो हमारे पूरे शरीर को आच्छादित करता है, उसके रिसीव करवाते हैं। और घरों में जिस तरह से बिजली का वितरण होता है, उसी के समान विभिन्न अंगों को ऊर्जा का वितरण करते हैं। इनको ना तो आँखों से देखा जा सकता है, ना ही इनको साक्षी रूप में इनका कोई प्रमाण मिलता है कि चक्र हैं। जैसे कि एक प्रसिद्ध संत थे, उन्होंने चक्रों का परीक्षण करने के लिए एक बार एक मुर्दा व्यक्ति पकड़ लिया और उसको चीरफाड़ करके उसकी मेरुरज्जु पर वो चक्र देखने लगे और कहने लगे, बताइए इसमें चक्र कहाँ हैं। चक्रों को वैसे नहीं देखा जा सकता, मुर्दा व्यक्ति में चक्र नहीं देखा जा सकता, क्योंकि चक्र कोई स्थूल वस्तु नहीं है जिसे हम किसी चीज पर देख सके। जैसे ठीक वैसे ही, क्योंकि जिस तरह से एक बल्ब तभी जलता है जब तक लाइट आती है। अर्थात हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा जो ये शरीर है, ये एक होल्डर की तरह कार्य करता है और बल्ब सुषुम्ना नाड़ी है और चक्र प्रकाश के रूप में है। इसमें स्विच बोर्ड है प्राण ऊर्जा, तो जब जैसे स्विच बोर्ड में लाइट बंद हो गई तो फिर बल्ब नहीं जल सकता है, उसी तरह यदि प्राण वायु शरीर से निकल गई तो ये चक्र स्वतः निष्क्रिय हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी चक्रों के बारे में संपूर्ण जानकारी। धन्यवाद।